जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोइज़ मोहसन एंड माय ग्रुप मेंबर्स आर साकिब नवाज, मोहम्मद मुश्ताक, फिजा करीम एंड अलीना मतोर। एंड आवर प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फिर ग्रोथ मीडियम के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, उसके बाद टेक्निक्स एंड एग्जाम्पल, फिर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर उसके बाद एप्लीकेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में हाइब्रिडोमा सेल लाइन होती क्या है। हाइब्रिडोमा सेल लाइन जो एक दूसरा हाइब्रिड सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि एक स्पेसिफिक एपिटोप ऑफ एंटीजन को टारगेट करते हैं और उसके अगेंस्ट अम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। फिर इसके अंदर जो हाइब्रिड सेल्स होते हैं वो बनते किस तरह हैं, वो फ्यूजन होती है बी सेल्स की और माइलोमा सेल्स की। बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और वो उनका जो लाइफ स्पाइन होता है वो फनाइट लाइफ स्पाइन होता है, और जो माइलोमा सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स होते हैं, इमोर्टल होते हैं, और उनका जो लाइफ स्पाइन होता है वो इनफनाइट होता है। इन दोनों को फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके दोनों सिमल्टेनियसली अपनी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और हाइब्रिडोमास बनाते हैं। और जो हमारे पास इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री जो होगी उसमें 1964 के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक जो हाइब्रिड सेल्स हुए थे वो आइसोलेट हुए थे वो हैट मीडिया के अंदर। फिर इसमें फर्दर एडवांसमेंट आती गई, हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आती गई, और 1975 में जॉर्ज जी एफ कोहलर एंड कैसर मिल्टन ने जो इसको प्रूफ किया हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली, और उसने 1984 के अंदर जब प्रॉपर एडवांसमेंट हुई तो इनको अवार्ड अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज के साथ। फिर फर्दर आते हैं कि हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी से पहले, सेल लाइन से पहले क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। उसमें पहली प्रॉब्लम ये थी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हम जो आइसोलेट करते थे ऑर्गेनिज्म से, जिनसे आइसोलेट करते थे वो क्या होता था कि उनका शॉर्ट टाइम लाइफ स्पैन होने की वजह से वो डेथ हो जाती थी उनकी। उसके बाद जो सेकंड जो था इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें सिर्फ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, हाइब्रिडोमा सेल लाइन से पहले सिर्फ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती थी और जो वो इमोर्टलाइज नहीं होती थी, उनका लाइफ स्पैन कम होता था। उसके अलावा जो इसके लिए हमारे पास जो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि इसको हर बार जब भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना होती थी एनिमल्स चाहिए होते थे और इसमें एनिमल यूजेस बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा इसके ग्रोथ मीडिया के अंदर आते हैं। ग्रोथ मीडियम, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ मीडियम है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले बाइकार्बोनेट जो एल ग्लूटामिन के साथ बाइकार्बोनेट बफर और एल ग्लूटामिन मीडिया होता है, और उसके अलावा हमारे पास कोइटल बायोबिन सीरम मीडिया होता है, और एक हमारे पास इसके अंदर कीप बफर जो एल ग्लूटामिन के बगैर होता है वो अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट है कि किस तरह की रिक्वायर्ड मीडिया चाहिए। इसके अलावा हमारे पास हैट मीडिया होता है, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो होता है पीजी मीडिया, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मीडिया जो मोस्टली अब यूज हो रहा है फॉर फ्यूजन ऑफ फॉर फ्यूजन ऑफ बी सेल एंड माइलोमा सेल जो कि हाइब्रिडोमास प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने एक माउस को लिया है, माउस को सबसे पहले इम्यूनाइज करेंगे, और इम्यूनाइजेशन के लिए जो हम एंटीजेंस लेंगे वो एंटीजेंस लेंगे फ्रॉम उस पेशेंट के अंदर से, और इसको फिर माउस को इम्यूनाइज करेंगे। इम्यूनाइज करेंगे तो इंजेक्शन के जरिए। इम्यूनाइज करने के बाद जो एक स्पेसिफिक टाइम हमने दिया होगा पर्टिकुलर टाइम के बाद हम क्या करेंगे उसको माउस की स्क्रीनिंग करेंगे, और जो कि हमारी डिजायर्ड एंटीबॉडीज उसने प्रोड्यूस कर दी है कि नहीं। उसमें जब हमारी डिजायर्ड एंटीबॉडीज जो प्रोडक्शन उसकी हो जाएगी फिर हम वो वाले जो सेल्स होंगे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे लाइक वो माउस के अंदर स्क्रीन सेल्स हैं उनको हम आइसोलेट करेंगे। फिर हम माइलोमा सेल्स की प्रिपरेशन करेंगे। माइलोमा सेल्स हमें वो वाले चाहिए जिसके अंदर HGPRT एंजाइम की लैकनेस होगी, और फिर हम इन दोनों को फ्यूज करेंगे पीईजी मीडिया के अंदर, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मीडिया के अंदर, जो कि इनको प्रॉपरली फ्यूज करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे ये फ्यूज होंगे और माइलोमा सेल्स बन जाएंगे, हाइब्रिडोमा सेल बन जाएंगे। जो हाइब्रिडोमा सेल्स हमारे पास बनेंगे फिर उनको आगे फिर हम कल्चरिंग कंडीशन देंगे, कल्चरिंग कंडीशन देकर उनको हम प्रोलीफरेट करेंगे और फर्दरली उनको ग्रो करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। और फिर हम उसमें से क्योंकि वो जो हाइब्रिडोमास बने हैं और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है, तो हम उनमें से हमारी जो डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है हम उनको आइसोलेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले और उसके बाद आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके फिर फर्दर हम उसकी क्या क्लोनिंग करेंगे, लिम्पिंग डाइल्यूशन मीडिया के अंदर उसकी क्लोनिंग करेंगे, उनको एक्सपेंड करेंगे और प्रोलीफरेट करके हम लार्ज अमाउंट ऑफ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स बनाएंगे। फिर हम उनको क्या करेंगे, फिर हम उनकी आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन करके हम उनको फ्रीज कर सकते हैं या हम इंस्टेंटली उनका यूजेज होना चाहिए
तो उनको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि उनको इंजेक्ट करेंगे उस पेशेंट के अंदर जिसके लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि एक एंटीजन को पहले इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करके फिर उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स को हमने ट्यूमर प्रोड्यूसिंग ट्यूमर सेल्स के साथ फ्यूज किया, हाइब्रिडोमा बनाया। वो हाइब्रिडोमा ने जो हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की वो उनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वहां से प्रोड्यूस हुई, और फिर हमने उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया हमने जिस मकसद के लिए हमने उनको बनाया था। इसका एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हम माइस को इम्यूनाइजेशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं थ्रू एलाइजा, फिर वो जो स्प्लीन सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं हम उनको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करके फिर माइलोमा सेल्स प्रिपेयर करते हैं, वो वाले माइलोमा सेल लेते हैं जिनके अंदर HGPRT एंजाइम की लैकनेस होगी। हम इनको फीडर सेल देंगे। फीडर सेल का सिर्फ यहाँ पे काम ये होगा कि वो उनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी ड्यूरिंग फ्यूजन पूरी करेगा, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है। फ्यूजन होगी HGPRT मीडिया के अंदर, फिर उनके बाद हम हाइब्रिडोमास की स्क्रीनिंग करेंगे, और फिर जो हमारी रिक्वायर्ड हाइब्रिडोमा सेल्स होंगे जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, फिर हम उनको फर्दर एक्सपेंड करेंगे और उनको कल्चरिंग कंडीशन दे के उनको फिर फर्दर प्रोलिफरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम या इनको फ्रीज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए, या फिर हम लिमिटिंग डाइल्यूशन में उनकी डायरेक्ट क्लोनिंग करेंगे, और यहाँ पे भी हम इनको क्या करते हैं कि फीडर सेल्स प्रोवाइड करेंगे फॉर प्रॉपर ग्रोथ मेंटेनिंग प्रॉपर ग्रोथ कंडीशनिंग और मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। और इसके बाद फिर हम इनको आइसोलेट करेंगे और एक्सपेंड करके एक्सपेंशन करेंगे थ्रू क्लोनिंग के जरिए कल्चरिंग कंडीशन में। फिर जब हमारे पास ये वाले जो सेल्स आ जाएंगे इनके पास हमारे पास डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी, तो हम इनको या तो फ्रीज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर यूज के लिए, और अगर हमें जरूरत है उन्हीं फ्यूचर में यूज करने के लिए उन सेल्स को, तो हम उनको रिकवर कर सकते हैं, डायरेक्ट हम उनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं ए साइट सॉल्यूट्स की। तो फिर ए साइट सॉल्यूट्स जो कि हम पेरिटोनियल कैविटी से ले रहे हैं उस माउस की, तो इसलिए इसको ए साइट सॉल्यूट कहा गया है। फिर हम उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे थ्रू क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के जरिए, फिर उसको फाइनल उसकी टेस्टिंग करेंगे थ्रू एलाइजा के जरिए, और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारे पास रेडी होगी फॉर इंजेक्शन के लिए और फॉर ट्रीटमेंट के लिए। और जितना भी ये शेडेड एरिया यहाँ पे हमारे पास माउस को यूज किया गया है, जो ये शेडेड एरिया हमारे पास है। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले एक पेशेंट था जो कि 64 ईयर ओल्ड पेशेंट था जिसको टर्मिनल बी लिम्फोमा था। टर्मिनल बी लिम्फोमा एक्चुअली क्या था, ये एक कैंसर था, बी सेल कैंसर जिसने मेटास्टाइज किया हुआ था, फैला हुआ था उनके लीवर स्प्लीन बोन मैरो एंड पेरिफेरल ब्लड के अंदर। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि एक बी सेल्स के ऊपर जो एंटीबॉडीज होती हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक आइसोटिपिक पार्ट एक आइडोटिपिक पार्ट। जो उसका आइडोटिपिक पार्ट होता है उसकी नेचर होती है वेरिएबल नेचर, उसकी वेरिएबल नेचर में म्यूटेशन आती है और वो सिर्फ एक टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, वो कैंसरस हो जाता है। तो हमने क्या करना है इसके अंदर कि हमने स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी डिजाइन करनी है जो कि उस एडियोटाइप के ऊपर पर्टिकुलर एडियोटाइप के ऊपर जाके बाइंड करे, और उस पर बाइंड करने के बाद कंप्लीमेंट लाइसिस करवाए, उसको किल करवा दे ताकि वो अदर ऑटो इम्यूनो जो डिजीज काज ना करे। तो इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होगी इसको सबसे पहले एंटी माउस के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको ह्यूमनाइज करेंगे थ्रू बैक्टीरिया के जरिए ताकि उसके अगेंस्ट एलो रिएक्टिविटी या फिर ऑटो रिएक्टिविटी ना हो। उसके अलावा फिर हम इसको माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करके फिर उसके ये बाइंड करेगी जाकर उस एडियोटाइप के ऊपर, उसकी कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी और लाइसिस करवा देगा। तो ये स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, बी लिम्फोमा सेल फ्रॉम पेशेंट हम लेंगे, उसको फ्यूज करवाएंगे ह्यूमन माइलोमा सेल के साथ। इन बी लिम्फोमा सेल के पास सिर्फ बी लिम्फोमा एंटीजेंस होती हैं जिसके ऊपर सेम एडियोटाइप्स होते हैं। फिर हम उनको फ्यूज करेंगे, हाइब्रिडोमास बनाएंगे। हाइब्रिडोमास बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उन हाइब्रिडोमास को हम फिर माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे इम्यूनाइजेशन के लिए। जब उसकी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो जाएगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसके स्प्लीन सेल्स ले लेंगे जहाँ पे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं, तो उन स्प्लीन सेल्स को हम फ्यूज करवाएंगे माइलोमा सेल के साथ। तो दो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होंगी, एक एंटीबॉडी जो वहां पे प्रोड्यूस होगी वो आइसोटिपिक डिटरमिनेंट होगी फॉर आइसोटाइप के लिए, और दूसरी जो एंटीबॉडीज होंगी वो हमारे पास इडियोटाइप के लिए होगी, यानी एक एंटी इडियोटाइप हाइब्रिडोमास होंगे, जो दूसरे होंगे वो एंटी आइसोटाइपिक हाइब्रिडोमास होंगे। फिर हम उसको प्यूरीफाई करके सिर्फ इडियोटाइप वाले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उनको हम ह्यूमनाइज करेंगे। ह्यूमनाइज कैसे करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो हमारे पास आइसोटिपिक पार्ट होगा वो होगा हमारे पास ह्यूमन का, और इडियोटिपिक पार्ट जो होगा वो माउस वाला होगा। ये दोनों पार्ट को लेंगे, बैक्टीरिया के अंदर हम फ्यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाएंगे, करवा के ह्यूमनाइज करके पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे जहाँ से कंप्लीमेंट लाइसिस होगी और वो उसको किल करवा देगा टर्मिनल बी लिम्फोमा सेल्स जो होंगे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उनको किल कर देंगे कंप्लीमेंट लाइसिस के थ्रू। तो अब हम आगे इसकी फर्दर
तो फर्दर इसकी हम एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले इसकी जनरेशन ऑफ हाईली स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम एक अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटी एपिटोप्स जो होता है एंटीजन को, उसको अगेंस्ट डिजाइन करेंगे और टारगेट करेंगे। जो इसके अलावा नेक्स्ट जो है होस्ट नेचुरल एबिलिटी, होस्ट की नेचुरल एबिलिटी है कि वो क्या करता है कि जो हमारे पास एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करेगा वो हाईली स्पेसिफिक और हाई एफिनिटी होगी उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। इसके अलावा एडवांटेज उसका होता है क्लासिकल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कि इसके अगेंस्ट जो इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट लेस अम्यूनोजेनिक जो रिस्पॉन्स होगा रेदर देन काइमेरिक एंटीबॉडीज। उसके अलावा इंडिजियस नेचर जो इसकी वो ये होगी, ये प्रिजर्व करता है कॉग्नेट एंटीबॉडी की पेयरिंग इन्फॉर्मेशन को और एज वेल एज इनेट फंक्शन ऑफ अम्यूनो सेल्स उसको प्रिजर्व करके रखता है। इसके अलावा नो स्पेसिफिक स्पीशीज लेवल बैरियर इसके अंदर कोई नहीं होगा। ये इसके अंदर जो हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे वो पॉलीजेनेटिक डिस्टेंट स्पीशीज को यूज करके हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, उसको कंजर्व कर देंगे इन रोडेंट्स के अंदर। इसके अलावा रोबस्ट इमोर्टल सोर्स यानी कि हाइब्रिडोमास जब बन जाएंगे उनको जो आगे उनसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना सिंपल एंड एफिशिएंट है थ्रू कल्चरिंग कंडीशन। और वो जो हाइब्रिडोमास होंगे वो इमोर्टल होंगे, उनका लाइफ स्पैन की कोई लिमिट नहीं होगी और इससे जो हाईली रिप्रोड्यूसेबल और स्केलेबल हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर हम जो चिकन यूज कर रहे हैं यानी कि इसका जो है यूज ऑफ चिकन एग ब्लॉक, इसमें जो है कि जो एनिमल यूज करने से हमारे पास एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। जो एनिमल यूज हम करते हैं तो एथिकल कंसर्न को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, चिकन एग ब्लॉक को यूज करेंगे जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है देन लिबार्टी रोडेंट दैट वी प्रीवियसली यूज। तो इसमें इम्प्लाइज डिफरेंट स्पीशीज को इम्प्लाइज करेंगे क्योंकि जब पहले इसकी लिमिटेशन एक थी कि ये सिर्फ म्यूरिन एंटीजन्स को यूज करता था और यूज करके उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करता था, बट बाय टाइम इसके अंदर जो एडवांसमेंट आई है कि ये वास्ट रेंज ऑफ एंटीजन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज से यूज करेगा लाइक चिकन गोट ह्यूमन शीप, तो उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ये एक टाइप के सिर्फ ह्यूमन को ही टारगेट नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के अगेंस्ट भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। क्रायो प्रिजर्वेशन इस तरह ये एक जो एक बेनिफिट ये है कि हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे क्या होगा कि हमें जब यूज जरूरत होगी तो तब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उन सेल से प्रोड्यूस कर लेंगे उन हाइब्रिडोमा से जो स्टोर किए हुए हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक इसको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोडक्शन के लिए। रिस्क ऑफ कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है क्योंकि डिफिकल्ट इसके कल्चरिंग कंडीशन है इस वजह से। उसके अलावा ये एफर्ट बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड होती है। और नेक्स्ट इसका जो है रिक्वायरमेंट ऑफ प्यूरिफाइड एंटीजन, प्यूरिफाइड एंटीजन मतलब यह है कि एंटीजन जो प्रॉपरली प्यूरिफाइड हो, उसके अंदर अदर कंपोनेंट अदर एंटीजन ना हो जो कि उस जो हमारे पास जो एनिमल को होगा उसके अंदर जाके कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना क्रिएट करे, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना प्रोवाइड करे उसको। इसके आगे एप्लीकेशन पे आते हैं। तो एप्लीकेशन में इसकी सबसे पहले हम रैबिट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको हम डिस्कस किया, चिकन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जिसको हमने डिस्कस किया कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है। डायग्नोसिस ऐसे है यानी कि कोई पर्टिकुलर डिजीज को हमने अगर डायग्नोज करना है तो हम इसके उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या कहते हैं एक कंपोनेंट को एक प्रोटीन को डिजाइन कर सकते हैं और जो कि हमारे पास मार्कर के तौर पर भी काम कर सकती है। इसके अलावा हम कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ऑटो इम्यून डिजीज जितनी भी होती हैं उसके अगेंस्ट हम क्या कहते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिजाइन कर सकते हैं। डिटेक्शन यानी कि टेस्ट होते हैं, डिटेक्शन जितनी भी टेक्निक्स है लाइक अलाइजा है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स जितनी है लाइक HPLC या अदर अफिनिटी क्रोमेटोग्राफ है, उसके अलावा अदर जो टेक्निक है वो भी इसके साथ अटैच है, कोरिलेट है, तो हम उनको यूज कर सकते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन में जो आती है वो न्यू टाइप ऑफ बायो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जो कि एक स्पेसिफिक हमारे पास क्या के एंटीजन को टारगेट करेंगे। न्यू कैटालिटिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, अदर जो फॉरन मटीरियल से बचाती हैं। न्यू टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी का यहाँ पे मतलब ये है थर्ड जो है कि जो एक एंटीजन जो कि डिस्क्राइब नहीं हुआ, जो कि आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज डिजाइन करेंगे। डिजाइन करके उन एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं कि उस एंटीजन के अगेंस्ट प्रॉपरली बाइंड करवाएंगे। बाइंड करवा के उससे क्या होता है कि हम उसको अदर अम्यूनो अम्यूनिटी जो फंक्शंस हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो एट दी एंड जो लास्टली ये होगा कि हम जो न्यू टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक न्यू टाइप ऑफ एंटीजन हम डिजाइन कर सकते हैं।
That's all from our side. Thank you so much.